इस वीडियो में हम केस स्टडी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि केस स्टडी क्या होती है, केस स्टडी क्यों की जाती है, केस स्टडी के स्टेप्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम केस स्टडी के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। व्हाट इज केस स्टडी? केस स्टडी इज एन इन डेप्थ एंड डिटेल स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एज अ पर्सन, ग्रुप, प्लेस, इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन और फिनोमिना। केस स्टडी का मतलब यह है कि किसी केस की इन डेप्थ और डिटेल्ड स्टडी करना। केस स्टडी का फोकस होता है इन डेप्थ और डिटेल्ड स्टडी के ऊपर, कि किसी भी केस की इन डेप्थ और डिटेल्ड स्टडी करना, यह कहलाता है केस स्टडी। केस कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो किसी भी केस की इन डेप्थ और डिटेल्ड स्टडी केस स्टडी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना, किसी ग्रुप के बारे में इन डेप्थ और डिटेल स्टडी करना, किसी प्लेस के बारे में इन डेप्थ और डिटेल स्टडी करना, किसी इवेंट, किसी प्रॉब्लम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इन डेप्थ और डिटेल स्टडी करना। केस स्टडी का फोकस होता है कि जो भी केस अंडर स्टडी है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, डिस्क्राइब करना, कंपेयर करना और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एवेलुएट करना। तो केस स्टडी क्या करती है कि जो भी केस अंडर स्टडी है उसको एक्सप्लोर करती है और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करती है। तो केस स्टडी का फोकस दो चीजों के ऊपर होता है, इन डेप्थ एंड डिटेल स्टडी ऑफ द केस अंडर स्टडी। केस स्टडी को कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के लिए यूज नहीं किया जाता। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे के ऊपर हम इफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन केस स्टडी का फोकस कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के ऊपर नहीं होता। ये जो भी प्रॉब्लम अंडर रिसर्च है, जिस भी केस के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, ये रिसर्च उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करती है, उसको डिस्क्राइब करती है। अब केस स्टडी कब करनी चाहिए या केस स्टडी क्यों की जाती है? केस स्टडी तब की जाती है जब आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कंक्रीट, कॉन्टेक्चुअल, डिटेल्ड एंड इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है। केस का मतलब यह है कि जब आपको किसी पर्सन के बारे में, किसी ग्रुप, किसी प्लेस, किसी इवेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जब आपको कंक्रीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, डिटेल्ड और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है, तब ही केस स्टडी की जाती है। केस स्टडी के फोर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उनको हम वन बाय वन डिटेल से स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट अ केस। केस स्टडी का पहला स्टेप होता है कि केस को सिलेक्ट करना। ठीक है, रिसर्च के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और फिर रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करते हैं। जब रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन हो जाता है, रिसर्च क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम एक स्पेसिफिक केस को सिलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। एक अच्छी केस स्टडी किन एस्पेक्ट्स को कवर करती है? इट प्रोवाइड न्यू और अनएक्सपेक्टेड इनसाइट्स ऑफ द केस अंडर स्टडी। कि जो केस स्टडी होती है ना, ये न्यू इनसाइट्स डिस्कवर करती है, कि जो भी केस अंडर स्टडी है उसके बारे में न्यू नॉलेज को डिस्कवर करना, न्यू इनसाइट्स को डिस्कवर करना, इसके लिए केस स्टडी की जाती है। चैलेंज एग्जिस्टिंग अजम्पशंस एंड थ्योरीज। जो भी केस अंडर स्टडी है उसके बारे में जो एग्जिस्टिंग अजम्पशंस हैं, जो उसकी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं, उसको चैलेंज करना, ये भी केस स्टडी का काम होता है। किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए भी केस स्टडी की जाती है। ओपन न्यू डायरेक्शंस फॉर फर्दर रिसर्च। फ्यूचर रिसर्च के लिए भी गाइड करती है केस स्टडी। केस स्टडी का सेकंड स्टेप होता है बिल्ड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब यह है कि जिस भी केस के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी केस अंडर स्टडी है, उस केस के रेलेवेंट जितनी भी थ्योरीज पहले पब्लिश हो चुकी हैं, उन थ्योरीज का लिंक एस्टैब्लिश करना, उन थ्योरीज का कनेक्शन शो करना अपनी एग्जिस्टिंग केस स्टडी के साथ, कि आपकी केस स्टडी को कौन कौन सी थ्योरीज सपोर्ट करती हैं, इसे कहते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। और एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया जाता है लिटरेचर रिव्यू के बाद। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आपके पास सफिशिएंट बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए उस केस के बारे में जो केस अंडर स्टडी है, और बैकग्राउंड नॉलेज मिलता है लिटरेचर रिव्यू से। केस स्टडी का थर्ड स्टेप है कलेक्ट डेटा। डेटा किसी भी रिसर्च का इंटेग्रल पार्ट होता है, डेटा के बगैर रिसर्च की ही नहीं जा सकती, बिकॉज अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप एनालिसिस किस चीज का करेंगे और अपने रिजल्ट्स को कैसे कंक्लूड करेंगे। तो डेटा किसी भी रिसर्च का इंटेग्रल कॉम्पोनेंट होता है। केस स्टडी का फोकस होता है क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर, लेकिन सम टाइम इसके अंदर क्वांटिटेटिव डेटा भी यूज किया जाता है। क्वालिटेटिव डेटा हम डिफरेंट मींस से कलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी डेटा के थ्रू और सेकेंडरी डेटा के थ्रू। प्राइमरी डेटा के अंदर हम इंटरव्यूज और ऑब्जर्वेशन से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और सेकेंडरी डेटा के अंदर डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड को स्टडी करके हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं।
केस स्टडी का लास्ट स्टेप होता है डिस्क्राइब एंड एनालाइज द केस। अब यहां पे क्या होता है कि जो भी केस हमने स्टडी किया है उसको डिस्क्राइब करना और उसको एनालाइज करना। लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी केस स्टडी है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करना और पूरी रिसर्च को, पूरी केस स्टडी को कंप्लीट पिक्चर में शो करना। ये लास्ट स्टेप होता है केस स्टडी का। अब इसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चर रिसर्च पेपर का होता है या जो थीसिस का होता है वही हम केस स्टडी में भी यूज कर सकते हैं। अब रिसर्च पेपर और थीसिस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन का होता है, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू का होता है, मेथोडोलॉजी होती है, कंक्लूजन होती है, रिकमेंडेशन होती हैं। तो ये जो डिफरेंट सेक्शंस या चैप्टर्स होते हैं ना थीसिस या रिसर्च पेपर के अंदर, सिमिलर फॉर्मेट हम केस स्टडी को प्रेजेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको नैरेटिव स्टाइल में भी लिख सकते हैं, जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं उस तरह भी हम केस स्टडी को लिख सकते हैं। तो नैरेटिव स्टाइल में केस स्टडी को लिखते हुए इस चीज को जहन में रखना चाहिए कि जो केस स्टडी के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में हों। तो ये कॉन्सेप्ट था केस स्टडी का। नेक्स्ट वीडियो में हम केस स्टडी की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।